नमस्कार, मैं देवांजलि मोइत्रा। फील्ड कोई भी हो, महत्वाकांक्षा वो हर काम करवाती है जो इंसानी नजर में गलत और सही होता है, लेकिन महत्वाकांक्षा से कभी कभी अपने दूर चले जाते हैं। दोस्त दुश्मन हो जाता है और दुश्मन दोस्त हो जाता है। कौन जानता था कि सत्ता के लिए 30 साल पुरानी दोस्ती को तोड़ शिवसेना कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिला लेगी और बीजेपी देखती रह जाएगी। लेकिन ये सब हुआ। लेकिन जो खबर हम बता रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश से। खबरों की माने तो सीएम योगी और उनके डिप्टी केशव मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और हाल ही में हुई घटना पर नजर डालें तो यूपी सरकार के शीर्ष नेतृत्व के दो शिखर के नेता एक दूसरे के खिलाफ म्यान से तलवार निकालकर एक दूसरे का सिर काटने में जुटे हुए हैं। यूं तो सीएम योगी और डिप्टी सीएम मौर्य के बीच तनातनी की खबरें इनके सत्ता संभालने के बाद से ही शुरू हो गई थी और इनके चर्चे सत्ता के गलियारों और मीडिया में आती रही थी। लेकिन अब मामला थोड़ा गंभीर रूप ले लिया है। हालत ये हो गई है कि चाहे योगी हो या मौर्य, दोनों एक दूसरे के विभागों की गड़बड़ियों पर सक्रियता दिखाकर खुद को 20 साबित करने पर तुले नजर आ रहे हैं। बात थोड़ी पुरानी है लेकिन बात सही है। सीएम योगी ने केशव मौर्य के पीडब्ल्यूडी के पिछले 2 साल में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों की जांच करने का निर्देश दे दिया। ये ठेके और निर्माण कार्य करीब 2000 करोड़ रुपए के हैं। सीएम योगी को संदेह है कि पीडब्ल्यूडी में ठेकों और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई है। लेकिन सीएम योगी का दांव उल्टा पड़ गया और मौर्य को संदेश ये गया कि योगी इसके जरिए नकेल कसे रखना चाहते हैं। फिर क्या था, सीएम योगी और मौर्य में ठन गई और अब लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। योगी के आदेश के बाद नाराज केशव मौर्य ने सीएम को उनके नेतृत्व वाले विभाग एलडीए में फैले भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बारे में एक चिट्ठी लिख डाली। केशव मौर्य ने अपनी चिट्ठी में एलडीए के कई अफसरों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनकी जांच की जानी चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि केशव मौर्य की गुप्त चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई, जिससे सीएम के अधीन वाले एलडीए में भ्रष्टाचार की बात सार्वजनिक हो गई। फिर क्या था, पत्रकार और सचिवालय के अधिकारी दो भागों में बट गए और चटकारे लेकर मजे लेने लगे और कहने लगे कि योगी के एक्शन पर मौर्य का रिएक्शन है। आपको याद होगा कि 2 महीने पहले ही सीएम योगी ने पीडब्ल्यूडी की रोड मेंटेनेंस यूनिट की एक बैठक की जिसमें डिप्टी सीएम शामिल नहीं हुए। इस मीटिंग में सीएम ने उत्तर प्रदेश के सड़कों की खस्ता हालत और उनके रखरखाव को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और सड़क के गड्ढे भरने की तारीख 15 नवंबर तय कर दी। सूत्रों के मुताबिक योगी इस बैठक में इतने नाराज हुए कि उन्होंने प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के भी आदेश दिए, जो कि जिलों में फंड होने के बावजूद सड़कों की मरम्मत और निर्माण का काम नहीं कर रहे। इसी मीटिंग में योगी ने पीडब्ल्यूडी, शहरी विकास और सिंचाई विभाग के 2 साल के सभी कार्यों की जांच के भी आदेश दिए। फिर क्या था, फिर केशव मौर्य ने सीएम पर हमला किया और कुछ और आरोप लगा दिए। यही दोनों के बीच चल रहा है और एक तरह से वर्चस्व की लड़ाई जारी है और एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर एक बात बता दें कि ये लड़ाई तब से चल रही है जब से बीजेपी की यूपी में सरकार बनी है। लेकिन इस बीच वर्चस्व की लड़ाई काफी तेज हो गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे और क्या क्या देखने को मिलता है और इस लड़ाई में कौन जीतता है। लेकिन फिलहाल तो जनता हार रही है और सीएम डिप्टी सीएम की अपनी निजी खुन्नस भरी लड़ाई जारी है।